हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक इंडिया वन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी अपडेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको डेट लिखना है, जिस भी डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैंने यहाँ पे 18/8/2023 आज का डेट फिलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ ब्रांच आता है, तो यहाँ पे आपका जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे लिखना है, या फिर आप जिस भी ब्रांच में ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वहाँ का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे मैंने 00 एंटर कर दिया है, तो यानी कि मैं अपना प्राइवेसी के लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप समझ गए अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कस्टमर आईडी, तो ये आपके पासबुक पे होगा, वो कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद है नेम ऑफ द कस्टमर, यानी कि किसका केवाईसी होने जा रहा है, तो उसका नाम, यानी जो भी कस्टमर है जिसका भी खाता का केवाईसी करना है अपडेट, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो इन दोनों बॉक्स में आपको टिक लगाना है। यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो चेंजेस इन माई एड्रेस, अगर आप कोई भी एड्रेस चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि अगर आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहते तो इसमें टिक लगाना है। तो अगर आप कोई भी एड्रेस चेंज नहीं कर रहे तो इस बॉक्स में आपको टिक लगाना है, अदरवाइज आपको चेंज अगर एड्रेस करना है तो नीचे वाले बॉक्स में टिक लगाना है। और उसके बाद इन दोनों में से कोई भी टिक लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना ही होता है। तो पहले जो भी आपका एड्रेस पहले से ही है वही एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन तीनों लाइन में, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते तो भी इन तीनों लाइन में जो एड्रेस आप अपडेट कराना चाहते हो उसको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, तो आपको भी अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद है ईमेल आईडी, तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंट प्रूफ, तो आप एक काम कीजिएगा, इस वाले में मैंने आधार कार्ड लिखा है, आप चाहो तो पैन कार्ड और आधार कार्ड इन दोनों में लिख सकते हैं, और पैन नंबर यहाँ पे और आधार कार्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड और यहाँ पे आधार नंबर लिख दिया है। आप चाहो तो पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों ही यहाँ पे लिख सकते हैं और उन दोनों का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 5 इसलिए लिखा है ये प्राइवेसी को लेकर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 2 का नंबरिंग यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से डेट लिखना है और लास्ट में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट फोटो लगेगा, वो आपको यहाँ पे चिपका लेना है। उसके बाद ये फॉर्म आपका रेडी हो जाता है, KYC अपडेट फॉर्म आपका रेडी है। उसके बाद आप अपने बैंक के शाखा यानी कि ब्रांच में जाके इसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।